क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं, और वो कवर करके किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हीट, कोल्ड, रेन, स्नो, डस्ट एंड जर्म्स, गर्मी, ठंडी, पानी, बर्फ, गंदगी, जर्म्स, जो कीड़े मकोड़े थोड़े बहुत होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि शरीर पे ना लगें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हम हर सीज़न में अलग अलग तरीके की कपड़े पहनते हैं, ठीक है। जैसे कि वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर डेज, हम जो है समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि ये हमें कूल मतलब ठंडा रखते हैं, ठीक है। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, हम गर्मी और ठंडियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें गर्म रखता है। ड्यूरिंग रेन, जब रेन होती है तो हम रेन कोट या अम्ब्रेला कैरी करते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से। इन द स्कूल ऑल द स्टूडेंट वेयर द सेम क्लोथ, दिस इज कॉल्ड अ स्कूल यूनिफॉर्म। आप सभी को पता है कि जब आप स्कूल में आते हैं तो आप सब स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या स्कूल में रखती है, हमारे स्कूल यूनिफॉर्म लगती है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अब ये बता रहा है कि आपको क्लोथ्स मिलते कहाँ से हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम थिंग्स सच एज कॉटन एंड वूल एंड सिल्क, वी कॉल दीज फैब्रिक्स। कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब क्या कहलाते हैं, फैब्रिक्स कहलाते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। वी गेट वूल फ्रॉम द शिप एंड कैमल, हमें जो गर्म मतलब वूल ऊन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, कैमल और शिप से मिलता है। सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क, एक सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है जो कि हमें सिल्क देता है। We have read about natural things, हमने आपको जो पढ़ाया यहाँ पे ये natural things थे, ठीक है। Cotton, wool and silk are natural things और fabrics, ये सब natural things है और fabrics हैं।